press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीप प्रकाश और आप देख रहे हैं क्रिकेट फिल्टर। आज मैं बात करूंगा अश्विन बटलर रन आउट विवाद के बारे में। पंजाब और राजस्थान के बीच चल रहे मैच के दौरान हुए रन आउट पर अब चर्चा तेज हो गई है। पहले ये जानते हैं कि हुआ क्या। पंजाब के खिलाफ मैच में बटलर अच्छी बैटिंग कर रहे थे, वह 69 रन बनाकर खेल रहे थे। 13वें ओवर में अश्विन बटलर को रन आउट करते हैं। स्ट्राइक पर संजू सैमसन थे, बटलर नॉन स्ट्राइक पर थे। अश्विन बॉलिंग रन अप से बॉल लेकर दौड़ते हैं, फिर रुककर विकेट में मार देते हैं और अपील करते हैं। अपील करने के बाद थर्ड एम्पायर बटलर को रन आउट दे देते हैं। इससे बटलर गुस्सा हो जाते हैं और बाहर चले जाते हैं और ये रन आउट राजस्थान के हार का कारण भी बन जाता है। पर अब ये विवाद का रूप धारण कर चुका है। अब सारे क्रिकेटर इसे स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ मानते हैं। जब इस बारे में अश्विन से पूछा गया तो उन्होंने कहा, अगर ये नियमों में है तो ये गलत कैसे हुआ। जो हुआ वो अचानक से हुआ, मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, लेकिन मैं नियमों के खिलाफ नहीं था। पता नहीं इसमें खेल भावना की बात कहां से आ गई। मैंने अपना गेंदबाजी एक्शन पूरा नहीं किया था और बटलर क्रीज से बाहर थे। जब इस रन आउट के बारे में कप्तान रहाणे से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया। पर राजस्थान के कोच ने इस पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आर अश्विन ने जो किया है उससे उनके बारे में पता चलता है। मैं इस विवाद को IPL के फैंस पर छोड़ता हूँ कि क्या ऐसा फिर दोबारा देखना चाहते हैं या नहीं। हम तो सिर्फ खेलने और फैंस के मनोरंजन के लिए वहाँ थे। मुझे गर्व है कि अश्विन के खिलाड़ियों ने अच्छा बर्ताव किया। अश्विन ऐसा रन आउट एक बार पहले भी श्रीलंका के खिलाफ कर चुके हैं 2012 में। तब कप्तान सहवाग थे, उन्होंने अपील को वापस ले लिया था। अब BCCI इस पर क्या डिसीजन लेता है ये तो अब वक्त ही बताएगा। अब मैं बात करूंगा दिल्ली और चेन्नई के बीच हुए मैच के बारे में। दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 147 रन बनाया, जिसमें धवन ने 51 रन बनाए 47 बॉल पर, पृथ्वी शॉ ने 24 रन बनाए 16 बॉल पर और पंत ने 25 रन बनाए 13 बॉल पर। चेन्नई के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। दीपक चहर ने 4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट लिए। ब्रेबो ने 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट लिए। जडेजा ने 4 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट लिया। दिल्ली ने बहुत ही खराब बैटिंग की। अपने होम ग्राउंड पर ऐसी बैटिंग की उम्मीद न थी। चेन्नई ने फिर से अच्छी बॉलिंग की। जवाब में चेन्नई 6 विकेट से मैच जीत गई। चेन्नई की तरफ से वाटसन ने 44 रन बनाए 26 बॉल पर, रैना ने 13 रन 16 बॉल, धोनी ने 32 रन 35 बॉल और वो नॉट आउट भी रहे। अगर बात करें दिल्ली की बॉलिंग की तो उसमें अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 16 रन दिए। अमित मिश्रा ने 4 ओवर में 35 रन देकर उन्हें 2 विकेट मिला। दिल्ली ने बॉलिंग अच्छी की पर खराब बैटिंग के कारण मैच हार गई। अब लगातार 2 मैच जीतकर चेन्नई पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।